हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार नारसन विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक के दौरान गांव के विकास के केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आज की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर गाँव का विकास करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि सड़क बिजली पानी सहित कई विभागों की समस्याएं सामने आई हैं और जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ब्लॉक में हमने यहाँ पे बीडीसी की बैठक करी है। तो जैसा कि आमतौर पर बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें।